हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास डीडी फ्रिडिस का एमपेक 4 सेटअप बॉक्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पगारिया 50-50 डीडी फ्रिडिस का एमपेक 4 सेटअप बॉक्स है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि समस्या क्या है, तो टीवी स्क्रीन पर प्रोग्राम नॉट एग्जिट लिख के आ रहा है। अगर आप रिमोट से चैनल चेंज करते हैं तो दोस्तों कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है। तो यह किस कारण से होता है, आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं और आप दोस्तों इस समस्या को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यह प्रॉब्लम क्यों आता है, तो जब आपका चैनल सेटअप बॉक्स से पूरी तरह डिलीट हो जाता है तब दोस्तों आपको यह समस्या जो है टीवी स्क्रीन पर देखने को मिलता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको इसके लिए अपने फ्री वाले एमपेक 4 सेटअप बॉक्स को एक बार फिर से ऑटो स्कैन करना होगा, जिससे कि आपके जो चैनल डिलीट हो चुके हैं आपके दोस्तों दोबारा से आ जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, तो रिमोट से आपको यह जो मेनू बटन है उसे प्रेस करना है। इसके बाद आपको जाना होगा इंस्टॉलेशन में, जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन में आपको जाना होगा सेटेलाइट लिस्ट में। तो हम दोस्तों सेटेलाइट लिस्ट पर चले जाते हैं। इसके बाद आपको सेटेलाइट लिस्ट में जाने के बाद रिमोट का ओके बटन प्रेस करना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको इस पर सेटेलाइट के नेम जो है देखने को मिल रहे हैं। आप कोई भी एक सेटेलाइट सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको सेटेलाइट सेलेक्ट करने के लिए रिमोट से ओके बटन प्रेस करना होगा, जिससे दोस्तों आपका यह जो टिक वाला निशान है लग जाएगा। अब इसके बाद आपको ऑटो स्कैन करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको रिमोट से एक नीला बटन दिखाई देगा जिसे आपको प्रेस करना होगा। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके बाद आपको मोड को आपको प्रेजेंट से ब्लाइंड करना होगा। तो दोस्तों आपको मोड चेंज करने के लिए यह बटन जो है प्रेस करना होगा, ओके के दाएं बाएं वाला बटन। ब्लाइंड करने के बाद एफटीए ओनली। आप दोस्तों अगर स्क्रैम्बल प्लस फ्री चैनल स्कैन करना चाहते हैं तो नो रखिए, अगर केवल आप फ्री चैनल स्कैन करना चाहते हैं तो इसे आप एस कर दीजिए। इसके बाद आपको रिमोट से ओके बटन प्रेस करके अपने सेटअप बॉक्स को ऑटो स्कैन कर देना है। और आपको दोस्तों यहाँ सामने प्रोग्रेस बढ़ते हुए दिखाई देगा, अभी यह 3% 4% है, आपको 100% तक का वेट करना है। आपके जितने भी फ्री डिस्क के चैनल्स हैं तो दोस्तों आपके ऑटो स्कैन हो जाएंगे और इसे बाद में आपको ओके बटन प्रेस करके सेव भी करना होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि स्कैनिंग शुरू हो चुका है और चैनल भी आना शुरू हो चुका है और अब हम 100% तक का वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 100% ऑटो स्कैन कंप्लीट हो चुका है और अब दोस्तों आपको रिमोट का ओके बटन दबाकर चैनल्स को सेव कर लेना है। इसके बाद आपको एग्जिट बटन दबा देना है और आप देखेंगे कि आपके जितने भी फ्री डिस्क के चैनल्स हैं तो आपको रिसीव हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको टीवी स्क्रीन पर प्रोग्राम नॉट एग्जिट करके आ रहा है तो आपके जो चैनल हैं डिलीट हो जाते हैं, इस कारण से आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको अपने सेटअप बॉक्स को ऑटो स्कैन करना होगा, जिससे कि आपके जितने भी चैनल्स हैं आपके फ्री वाले एमपेक 4 सेटअप बॉक्स पर रिसीव हो जाएंगे। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार।